भाई रात का समय है, निकल गए हम अपने सफर पे। सफर क्या, एक ड्राइवर हमारे बाबूजी ने, कितना टाइम हो रखा है, 10:55, मतलब 11:05 का समय। ड्राइवर क्या किया, गाड़ी अपनी लोड हुई देश से, पूरा वाक्य बताते हैं क्या हुआ। देश से गाड़ी लोड हुई चिरीपाल की, उसने महिंद्रा कंपनी में आके खड़ा होना था, जिस गाड़ी का मैंने अपने पीछे का ब्लॉक देखा तो वायरिंग चेंज करनी थी उस ड्राइवर ने, तो कंपनी में आके खड़े होना था। एवरेज के लिए मंदों ने जाना था 7वें। पहले तो उसकी गाड़ी का फिल्टर फट गया रास्ते में, अभी फटा कैसे ये समझ में नहीं आई, वो फिल्टर भी दिखाऊंगा। वो जहां से फिल्टर फटा ना, वहां पे उसका ये कहना था कि यहाँ पे आके कार मतलब ठुक गई आगे सीधी, कार ने ठोक दिया फिल्टर के ऊपर तो फिल्टर फट गया। तो चलो फिल्टर के लिए बंदा भेजा, जहां पे फिल्टर लगता है डीजल फिल्टर वहां पे कार लगने का तो सवाल ही नहीं उठता पहली बात। तो चलो कोई नहीं, मैंने उसकी बात समझ ली कि बंदा थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल है, तो बंदे भेजे, फिल्टर डाल दिया। तो गाड़ी रास्ते में आ रही थी, अभी वो रास्ते में गाड़ी का यही नहीं पता चल रहा है कि वो गाड़ी है कहाँ, मतलब किस जगह है वो गाड़ी, और गाड़ी है इस जगह उपरा ये थले तो नहीं ला देने लगा। और रब्बा शुक्र है बाबे दा लग गई ओए, बाजू तो देखो ओए मिल गई भाई, हमारी गाड़ी मिल गई। वाह आनंद ले रहे हैं साहब। भैन दी लन टायर आड आवे, टायर दा की आवे, ये गड्डी नहीं जानी, ये कितना कितने गड्डी मारी है, हैं? ये गड्डी बजी कितना कितने? वाह काका, वैसे सच्ची बात बताऊं, आनंद ही आपका है, जो जो जंगल में मजा वो कहीं नहीं, खेती पर बाड़ी करते हैं, जंगल में रहे हो, खेती पर बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी आगे करते हैं, ये हाँ। जंगल में यहाँ गाय भैंस रखता हूँ। हाँ वही ये काका टायरा टूरार्ड की वजह से ऐसा हो गया। चलो अभी अभी पीछे वो लगा देंगे ना थोड़ा बैरिकेड सा, तो वो काम हो जाएगा अपना। चलो बता दो। हाँ जी, अभी ये काका रहते हैं, इनकी सारी जगह है इधर की साइड, तो अभी इनके पास बैरिकेड यहाँ पे रखे, उनको उठा के यहाँ लगा देते पाने हैं। पाने चाय भाई सब मिलेगा इसको। ना ना कोई नहीं, चाय पानी तो चाय पानी लायक नहीं है। ये हमारे ड्राइवर साहब, बहुत बढ़िया कंटेनर था, डाक पार्सल आता है, बढ़िया है। डाक पार्सल वाला मोमेडन था, मारा जारी जोर से गाड़ी तोड़ दिया जोर से, पूरा तोड़ दिया पाटा। ये पता बात क्या काका, देखो ये जो लोहा होता है ना, लोहा मेरा वो घर है, मेरा घर घर से आगे यहाँ भी पूरा तोड़ दिया। अभी मेन बात पता क्या काका, देखो ये तो गाड़ी घोड़ा ही तो सही, ये तो सही हो जाता है, मेरे को लगता है पेट्रोलिंग वाले आए। पेट्रोलिंग वाला ही आया क्या? नहीं है नड़ियाद जाने के लिए, यहाँ से देखो ये क्या रास्ता बताएंगे। अभी तुम्हें नुकसान दिखाए ना, तो टायर आड पूरा बैंड हो गया, ये आर्म पूरा टेढ़ा हो गया, झोली पूरी टेढ़ी हो गई, और नीचे से दिखाए तो अपना ये देखो क्या हाल हो गया, देखो टायर आड कैसे, और वो टायर टायरों की तो हालत ही मत पूछो, ये देखो टायर की क्या हालत है, कट लगे सारे टायर, धागे उतर गए, ये देखो कैसे कट लगे। ये गाड़ी पलटने से बच गई, किस्मत समझ लो हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि जो पुण्य किए कि जो अपनी गाड़ी बच गई, पलटी नहीं, ऐसे नहीं हुआ, नहीं तो ये पलट जाती गाड़ी, और ऐसी पलटती कि हम क्या बताते आपको। क्या हुआ इतने बह के, राम करो सो जो, सवेरे आऊंगा मैं सामान लेके, सुबह आऊंगा सामान समून लेके, सब ड्राइवर वाइवर मतलब सामान लेके, मिस्त्री लेके, बंदा लेके, फिर काम करके फिर इन लेके जावांगे, इतों हिलना नहीं, इतने सो जो भावे गड्डी च सो जो, ठीक है।
ऐवे रोड ते ना घूमियो, नीचे मत घूमो। चलो काका धन्यवाद आपका, चले अंदर सो जा। क्या कहने आ, सीट रख ला चौके, पानी हैगा तैयार रख ला, बोतल पानी भी। अभी यहाँ पे टूल से यहाँ से उतरेंगे हम लोग नीचे, क्योंकि पहले अपने को उतरना था आगे से, बट आगे से इसलिए नहीं उतरेंगे क्योंकि हमारी गाड़ी क्या है, जहाँ से हमने टूल पार किया वहाँ से 1 किलोमीटर के अंडर में ही घूम के आए, और ये जो नया वाला रोड है ना इस पे टूल कर दिया है चालू इन्होंने। अबे उससे बात कर, ये देख हाथ ला दे सानू, हाथ ला दे हाथ रहा है फिर। अबे हम तेरे उस्ताद हैं, बेचारा हंस रहा, ड्यूटी कर रहा है यार बंदा। ओए ओ पैप लेके खलोता है के जेवे जंग लड़नी। लो भाई अभी हम टूल से निकल गए, ये उस टूल वालों ने हमें निकाला इमरजेंसी में, क्योंकि हम लोग आधी रात को इन लोगों का मतलब पुलिस वालों का और इनका फोन आया, हमारी गाड़ी जैसे मतलब ब्रेकडाउन हुई ना तो इन्होंने फोन किया, तो हम इमरजेंसी में गए, तो अपनी गाड़ी में क्या फास्टैग भी नहीं था, तो हमने उनको पूरी बात बताई ऐसे से, फोटो भी थी लोकेशन भी थी, तो इन्होंने उधर से तो जो जहाँ से आप लोग एक्सप्रेस पे चढ़े तो उन्होंने तो साफ बोल दिया कि सर बात ऐसी है कि हम तो टोल इधर से कटता नहीं, इधर से एंट्री हम कर देंगे बट जहाँ पे आप उतरोगे टोल वहीं पे कटेगा। मतलब एक्सप्रेस पे क्या हिसाब है, जो ये एक्सप्रेस है ना ये किलोमीटर के हिसाब से कटता है टोल, मतलब ऐसे नहीं कटता कि भाई 500 रुपये का टोल है कि 600 रुपये का टोल है, पर किलोमीटर के हिसाब से टोल कटता है। अभी जैसे यहाँ से मैं टोल पे चढ़ गया, एक्सप्रेस पे चढ़ा, यहाँ पे एंट्री होगी मेरी गाड़ी नंबर के साथ कि गाड़ी यहाँ से चढ़ गई है ऐसे, मतलब अगर आप कैश में चढ़ते हो ना तो ऐसे, ये देखो, और ये किलोमीटर के हिसाब से टोल यहाँ पे 0 पैसा लगेगा और किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी अपनी जाएगी, और ये कैश में काट दिया उसने क्योंकि मेरी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है। लो भाई उन दोनों ड्राइवरों को छोड़ दिया ऑफिस पे, अब मैं जा रहा हूँ घर, रात के बज गए हैं, टाइम हो गया है भाई रात का, बज गए एक बज गया, और ऐसे मतलब ऐसे परेशान होते हैं देखो कभी कभी ना, अपने ट्रांसपोर्टरों की जो लाइफ होती है, मेन हम लोगों की जो लाइफ है वो ऐसी होती है, रात के एक बजे ऐसे अपने को अचानक जाना पड़ता है, अपनी गाड़ी रास्ते में खड़ी हो जाती है। अभी बताओ रात के 1 बजे हम लोग वहां से वापस आए, क्या किया ड्राइवर ने, ये नशे की हालत में वो आदमी ने क्या किया अभी बताओ, दोनों टायर टाई राड आरम, और मैं भगवान का शुक्र मनाता हूँ भाई, बहुत कृपया रही भगवान की कि किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ, हमारा तो चलो थोड़ा ही नुकसान, मैं इसे बात बोलता हूँ बहुत थोड़ा नुकसान हुआ, बच गए हम, जो टायर ही खराब हुए, नहीं तो जिस हालत में वो गाड़ी लेके आ रहा था ना जिस तरीके से वो गाड़ी पलट जाती। तो ड्राइवर ने गाड़ी के साथ किया जैसा मतलब उसने किया उसके साथ, मतलब क्या करने चाहिए, मतलब उसको कुछ कहना चाहिए ड्राइवर को कि नहीं कहना चाहिए, तो जरा इस चीज का जरूर बताइएगा जरा इस बात का, ठीक है। अभी गाड़ी खड़ी कर दी है, सुबह मिलते हैं, चलते हैं भाई, कल मिलेंगे भाई नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ, और ये 1 दिन के अंदर 2 ब्लॉग आएंगे, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्लॉग है ये स्पेशल डालूंगा मैं सिर्फ उन भाइयों के लिए जो ऐसा बोलते हैं। ओके कल मिलेंगे नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। ये अपनी बिल्डिंग है भाई, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, ठीक है। ये अपनी बिल्डिंग है, ये गेट है, गाड़ी पार्किंग, वैसे गाड़ी के अंदर भी है अपनी, यहाँ भी अपनी पार्किंग है अंदर, बट पता है बात क्या है, मेन बात यह है कि यहाँ पे अंदर मैं गाड़ी इसलिए नहीं डालता क्योंकि मेरे को किसी भी टाइम जाना पड़ता है, किसी भी टाइम अपना फ़ोन आ जाता है उसी टाइम अपने को जाना पड़ता है, तो इस वजह से पार्किंग का जो सिस्टम है मैं गाड़ी बाहर ही खड़ी करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई डर भी नहीं है, और वो अंकल की दुकान है तो वहाँ पे कैमरा वैमरा सब लगा हुआ है, सब कुछ अपना है, 3rd फ्लोर पे अपना फ्लैट है, लिफ्ट भी मतलब वैसे 2 BHK है अपना घर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रहने वाला अकेला ही हूँ बस। चलो भाई ये अपना फ्लैट है 304।
चलो भाई घर से अंदर थोड़ी सी झलक दिखा देते हैं अंदर से। बाकी यहाँ पे मैं जूते रख लेता हूँ, यहाँ पे अपनी आंटी आती हैं साफ सफाई करने के लिए। बाकी सब सामान ऐसे, मैं जो रहता हूँ सोता हूँ वो यहाँ पे। ये अपना बहुत बड़ा बेड है ग्राउंड फ्लोर का। ये सामने रहा अपना एसी। चलो भाई कल मिलेंगे नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह भाई।